साथियों वालेकुम मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ खैर मक्दम करता हूँ वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे YouTube चैनल जी एस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा जी बताइए सभी लोग सभी को वाले चलिए बहुत शानदार दिलीप कुमार जी तबस्सुम बानो ये लवली चलिए शिवम जी चलिए शकील आजमी फरहत इमरान अहमद सभी का वेलकम है नूर सबा जी आरजू एमडी डी आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमिन खान मोमिन के बारे में किन के बारे में मोमिन खान मोमिन के बारे में और फिर शाद अजीम आबादी के बारे में इस दो शख्सियत के बारे में पढ़ना है इससे पहले हमने आपको कुली कुतुब शाह वली दकनी सिराज औरंगाबादी इसी तरह साथियों मिर्जा गालिब ख्वाजा मीर दर्द मीर तकी मीर देखिए ध्यान दीजिएगा जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना इसको आपको याद होना चाहिए कौन कौन वली दकनी सिराज औरंगाबादी ख्वाजा मीर दर्द मीर तकी मीर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ये सब चीज़ें जो मैंने पढ़ाई है वो आपको याद होना चाहिए सल्तनत बीजापुर और इसी तरह सल्तनत गुलकंडा उसके बाद लिसानिया से मैंने जबान के आठों ख़ानदान जे कदीम हिंद आर्याई वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई फिर सभी के साथियों अपभ्रंश पाली प्राकृत ये सब मैंने आपको पढ़ाया है ठीक है ना जी मागदी और सोरशनी जदीद उर्दू की जो बोलियां हैं उसको मथुरा के इलाके में जो सोरशनी बोली जाती है उसको ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है उसका आप मुहासवा करते चलिएगा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जे हयात खिदमत मोमिन खान मोमिन जी तो चलिए देखते हैं असल नाम इनका था मोहम्मद मोमिन खान क्या नाम था असल नाम मोहम्मद मोमिन खान और ये तखलस क्या करते थे मोमिन वालिद का नाम था गुलाम नबी खान क्या नाम था गुलाम नबी खान पैदाइश 1800 सौ ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और वफात जो है अट्ठारह सौ ईस्वी दिल्ली में हुई थी यानी पैदा भी दिल्ली में हुए थे वफात भी दिल्ली में हुई थी कोठे से गिरने की वजह से कोठे से गिरने की वजह से इनकी साथियों क्या हुई थी वफात हुई थी जी खानदानी पेशा जो था इनका वो था तिबावत तिबावत का मतलब होता है डॉक्टरी यानी खानदान में इसके सभी लोग डॉक्टर थे यानी हकीम थे उस वक्त ये डॉक्टर नहीं बल्कि ये लोग हकीम थे शायरी में जो इनके उस्ताद थे उनका नाम था शाह नसीर क्या नाम था शाह नसीर जो थे वो इनके शायरी में उस्ताद थे मोमिन सनते मकर शायराना के मोजीद है मकर मकर का मतलब क्या होता है नहीं जानते मकरो फरेब यानी बात कोई और कहना चाहता हो इशारा कहीं और हो और बात कोई और कही जा रही इनका अभी शेर देखिएगा ना सब इशारा है किनाया है सबके अंदर तो ये मकर शायराना के क्या थे मोजिद थे मोमिन मसलकन वहाबी थे क्या थे मसलकन ये वहाबी थे और मोमिन ने दो शादी की थी मसलक आपको पता ही है ये मसल के देवबंदी मसल के हदीस, मसल के साथियों बरेलवी मसल के कादियानी, मसल के और भी बहुत सारे मसलके हैं तो जो फिर हम लोग बोलते हैं तो ये जो वहाबी मसलक से थे कौन मोमिन खान मोमिन ये उसके बाद मोमिन को इल्मे नुजुम में महारत हासिल थी इल्मे नुजुम का मतलब ये होता है कि हाथ देखकर बातें बताना किसी के ख्वाब वगैरह को बताना ये इल्मे नुजुम होता है मोमिन की शायरी को मकर शायराना का नाम जिया अहमद बेदायूरी ने दिया था यानी ज़िया अहमद बेदायूरी ने कहा था कि मोमिन जो है वो एक मकर शायराना के क्या शायर हैं जी और उसके बाद आगे है मोमिन खान मोमिन का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से था देखिए अब तक जो हमने पढ़ा है साथियों के मैंने पढ़ा था मीर तकी मीर के बारे में इनका ताल्लुक़ कहाँ से था दबिस्तान दिल्ली से ख्वाजा मीर दर्द इनका ताल्लुक़ कहाँ से था दबिस्तान दिल्ली से मिर्ज़ा गालिब इनका ताल्लुक कहाँ से था जी दबिस्तान दिल्ली से मोमिन खान मोमिन कहाँ से ताल्लुक़ है दबिस्तान दिल्ली से और आतिश लखनवी आतिश लखनवी कहां से ताल्लुक था दबिस्तान लखनऊ से अब कहिएगा कि वली जी वली औरंगाबादी और सिराज औरंगादी ये लोग दिल्ली से ताल्लुक इनका नहीं था जी ठीक है ना बल्कि वली के दीवान के आमद के बाद दिल्ली में शायरी का बाजाबता आगाज हुआ था ठीक है ना कारनामे कारनामे देखते हैं मोमिन खान मोमिन के बारे में कारनामे में साथियों क्या देखिए एक एक पॉइंट को देखेंगे ना ये तो जैसे ही आप क्लास में सबक पढ़ते हैं ना उसी तरह मैं पढ़ाता हूं अब एग्जाम में कहां से आएगा नौ मुझे पता ना आपको पता कारना में मोमिन मोमिन खान मुमिन के दीवान को उनके शागिर्द मुस्तफा खान शेफ्ता क्या नाम था उनके शागिर्द का मुस्तफा खान शेफ्ता ने मुरतब किया और मौला करीमुद्दीन ने अठारह में शाये किया यानी जो इनका दीवान था दीवान मोमिन उसको साथियों मुरतब करने वाले कौन है मुस्तफा खान शेफ्ता और इसको मौला करीमुद्दीन ने साथियों क्या किया शायद किया कब अठारह में ठीक है मोमिन की कुल्लियात में एक मरसिया है जो उन्होंने अपनी जो उन्होंने अपनी महबूबा की मौत पर लिखा था किस पर लिखा था जो उन्होंने अपनी मौत महबूबा की मौत पर लिखा था उसके बाद मोमिन खान मोमिन की कलियात में कुल बारह हैं कितनी मसनवी है साथियों टोटल बारह मसनवी है मोमिन खान मोमिन ने उर्दू उर्दू में कुल नौ कसीदे क्या होगा उर्दू में कुल नौ कसीदे लिखे हैं जिनमें दो कसीदे हमदो चार कसीदे खुलफा राशिदीन की शान में है मोमिन की पहली मसनवी मोमिन की पहली मसनवी शिकायत सितम क्या नाम से शिकायत सितम है जो उन्होंने 16 साल की उम्र में लिखी थी कब लिखी थी 16 साल के जब थे तो उन्होंने पहली मसनवी शिकायत सितम के नाम से लिखी थी मोमिन की छह मसनवियों का मौजू खुद उन्हीं का इश्क है यानी आप जानते हैं कि मसनवी कई तरीके का होता है इश्किया होता है रमजिया होता है जी तो मसनवी जो है ना ये उन्हीं के इश्क के बयान में था क्योंकि ये भी बहुत बड़े आशिक थे एक शेर है साथियों मोमिन खान मोमिन का तुम मेरे पास होते हो गोया तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता देखिए इस शेर के बारे में आता है कि मोमिन के इस शेर के गालिब ने फरमाया था अगर मोमिन अपना यह शेर मुझे दे दें तो मैं अपना दीवान दे देने को तैयार हूं यानी यह शेर इतना माना है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता इस शेर के मेरे बारे में, में साथियों, ये मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि अगर मोमिन खान मोमिन ये शेर मुझे दे देंगे तो मैं उसको अपना दीवान दे दूंगा बहुत बड़ी बात है चलिए उसके बाद आगे है। सादत खान नासिर ने मोमिन को मसीह नफ्स क्या मसीही नफ्स हकीम बे नजीर और शार बेअील कहा है क्या शायर बे अदील कहा है। किसने कहा है तो साथियों सदत हसन खान नासिर ने उसके बाद मोमिन मोमिन तहजीब की लगाम कभी हाथ से जाने नहीं देती और हमेशा बातें रमजो किनाया के पैराए में करते हैं रमजो किनाया का मतलब होता है इशारतन जी इशारतन ये अपनी बात करते हैं ये बात किसने कही है इमदाद इमाम असर ने नफ्स ए गजल में मोमिन अपने तमाम हम असरों पर फौकियत रखते हैं ये जियाउद्दीन बेदायूनी ने कहा देखिए सबसे अहम बात ये याद रखिएगा अगर आपको पूछे जैसे आपको कोई पूछता है कि आतिश लखनवी किस सिनफे के शायर थे तो आप बोलते हैं गजलगो इसी तरह मोमिन खान मोमिन किस सिनफे के शायर थे तो यह भी गजलगो शायर थे एक गजल कहने वाले शायर थे ठीक है ना जे चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं मोमिन खान मोमिन के कुछ मुंतब अशार हैं जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए तुम हमारे किसी तरह न हुए सब इशारा केनाया ही होगा देखिएगा चूंकि ये मकर के शायर थे बड़े बड़े बहुत बड़े शायर थे और यानी इशारतन इन्होंने अपनी बात कही है तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता अब देखिए ये अपने महबूबा से कह रहे हैं कि तुम हमारे हो जाते तो दुनिया में मैं हर चीज हासिल कर लेता गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना मेरे तरफ भी गमजे गम्मास देखना जी गम्मास बोलते हैं चुगलखोर को और गमजा मतलब चुगल जी चुगली ठीक है ना तो गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना मेरी तरफ भी गमजे गम्मास देखना ये अलग अलग शेर है ये अलग है ये अलग है इसीलिए स्टार पॉइंट लगा हुआ है मेरे आंसू न पोछना न पोछना वरना कहीं दामन तरन हो जाए कहीं दामन तरन हो जाए हम भी कुछ खुश नहीं वफा करके बहुत बड़े ये भी आशिक थे हम भी कुछ खुश नहीं वफा करके तुमने अच्छा किया निबाह न की तुमने अच्छा किया निबाह न की आंखों से हया टपके है अंदाज तो देखो आंखों से या टे है अंदाज तो देखो हैबू लहूसो पर नास तो देखो हैबू लहूसो पर नास तो देखो ये साथियों मोमिन मोमिन खान मुमिन के अशार थे जो पसंदीदा अशार हैं जिसमें से आम तौर पे पूछा जा सकता है उसको आपने देखा अब हम लोग चलेंगे शाद अजीमाबादी के बारे में क्या शाद अजीमाबादी के बारे में शाद अजीमाबादी के बारे में सबसे पहले तो आपको ये नाम याद रखना है कि इनका असल नाम था सैयद अली मोहम्मद सैयद अली मोहम्मद नाम था और ये तखलस करते थे शाद और इनका खिताब था साथियों खान बहादुर कभी कभी आपको ये दिया जाता है कि खान बहादुर किनका का खिताब था तो शाद अजीमाबादी का शाद अजीम पटना का पुराना नाम अजीमाबाद है पैदाइश 1846 ईस्वी में अजीम आबाद पटना में इनकी पैदाइश हुई वफात उन्नीस ईस्वी में पटना में इनकी वफात हुई वालद का नाम था सैयद इजहार हुसैन उर्फ में अब्बास मिर्जा इनको कहा जाता था इसीलिए कहीं कहीं पर अब्बास मिर्जा आएगा और वहाँ पर इजहार हुसैन अगर न हो तो आप लगा दीजिएगा टिक च अजीम शाद अजीमाबादी उर्फ में लोग अब्बास मिर्जा कहते थे और वो इसी नाम से मशहूर हो गए थे दादा का नाम यानी शाद अजीमाबादी के दादा का नाम था सैयद तफजुल अली ख़ान क्या नाम था सैयद तफजुल अली खान खिताब अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से अठारह में खान बहादुर का खिताब इनको मिला था कि इनको शाद अजीमाबादी को शाद के शायरी के उस्ताद खाजा मीर दर्द के शागिर्द शाह अलफत उल्फत हुसैन फरियाद है, है। यानी इनके जो उस्ताद थे वो शाह उल्फत हुसैन फरियाद और शाह उल्फत हुसैन फरियाद के जो उस्ताद थे वो ख्वाजा मीर दर्द यानी ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द हैं शाह उल, उल्फत हुसैन फरियाद इन यही साथियों शाद अजीमाबादी के क्या हैं जेप क्या है उस्ताद है उल्फत हुसैन फरियाद ने ही इनका तखलस शाद तजवीज फरमाया यानी अगर आपसे पूछ ले कि शाद अजीमाबादी का तखलुस किसने दिया उनको तो उनके उसद मोहतरम साथियों किसने शाह उल्फत हुसैन फरियाद ने उसके बाद आगे चलते हैं आगे है शाद अजीमाबादी का ताल्लुक रबिस्तान अजीमाबाद से है अब तक हमने पढ़ा मीर तकी मीर दबितान दिल्ली इसी तरह साथियों हमने पढ़ा साथियों क्या पढ़ा मीर तकी मीर दबिस्तान दिल्ली इसी तरह मिर्जा गालिब दबिस्तान दिल्ली इसी तरह हमने पढ़ा मोमिन खान मोमिन दबिस्तान दिल्ली इसी तरह साथियों हमने क्या पढ़ा जे और इसी तरह आतिश लखनवी के बारे में पढ़ा तो दबिस्तान लखनऊ ख्वाजा मीर दर्द दबिस्तान दिल्ली लेकिन शाद अजीमाबादी जो है वो दबिस्तान अजीमाबाद से ताल्लुक रखते थे शाद ने मरसिया में अनीस का इतवा किया यानी मतलब ये हुआ कि ये अनीस के इस पर चले शाद गजल में मीर और आतिश से मुतासर थे मतलब ये हुआ कि मीर और आतिश की तरह ये भी गज़लगोई करते थे शाद अज़ीमाबादी। आबादी शाद ने मरसिया में अनीस का इतवा किया सैयद सुलेमान नदवी ने शाद को उस दौर का मीर कहा है किसने कहा शाद को उस दौर का मीर यानी मीर तकी मीर एक बहुत बड़े शायर हैं तो साथियों उनको मीर कहा है किसने सैयद सुलेमान नदवी ने नूरुल हसन नकवी ने शाद को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू कहा है दबिस्तान अजीमाबाद के आबरू कौन है शाद अजीमाबादी किसने ये बात कही तो साथियों किसने कही तो नूरुल हसन नकवी ने जैसे कल आपने पढ़ा था उर्दू का हाफिज शायर कौन है तो उर्दू का हाफ़िज़ शायर साथियों कौन ख्वाजा हैदर अली आतिश। में शाद ने हफ्त रोजा अखबार नसीम साथियों बहुत सारे अखबार के बारे में ये सब आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का है उसी तरह नसीम सेहर जो है ये अखबार किन का ये अखबार है साथियों शाद अजीमा बादी का। शाद अजीमा बादी की जो तसानी है जो इनके कारनामे हैं उसको अब हम लोग देखेंगे हयात फरियाद यात फरियाद ये किताब शाद के उस्ताद सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद की सवान उम्री है जो शाद ने लिखी थी जो किसने लिखी थी शाद अजीमा बा ने लिखी थी नगम शाद की गजलों का दीवान है जिसे उनके शागिर्द हमीद अजीमा बदी ने 1928 में मुरतब किया था ठीक है शाद ने कुल आठ मसनविया लिखी कितनी मसनवी लिखी थी आठ मसनविया शाद ने लिखी थी शाद ये एक मुख्तसर और इश्किया मसनवी है नग़मा जा फज़ा याद हबीब चश्म ए कौसर ए ज़िंदगी ये इनके मसनवी का नाम है जी फ़ुआन दिलकश और नाल दिलकश साथियों और एक जो है नवेद हिंद नवेद हिंद बाद में ये मसनवी मादरे हिंद के नाम से शाये हुआ यानी पहले इसका नाम था नवेद हिंद और बाद में ये मादरे हिंद के नाम से शाये हुआ तो ये साथियों शाद अजीमाबादी की जो मसनविया थी उसको मैंने आपको बताया उसके बाद आगे ध्यान दीजिए खयाल ये एक नावल है जो तीन जिल्दों पर मुश्तमिल है पहली जिल्द है जल्द खयाल दूसरी जिल्द जो है वो है साथियों क्या है हेअतुलमक़ाल और तीसरी जिल्द जो है हुलियतुल कमाल ये तीन जो है इनके साथियों क्या है खयाल में जो नावल है वो तीन जिल्दों पर मुश्तमिल है ये उनके नाम है शाद अजीमाबादी का नाम शाद अजीमाबादी की पैदाइश और शाद अजीमाबादी के कारनामे शाद अजीमाबादी के बारे में मुख्तलिफ अकवाल ये सब पढ़ने के बाद अब बारी है कि शाद अजीमाबादी चूंकि एक गज़ल गो शायर हैं जो कि दबिस्तान अजीमाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके मशहूर अशार को पढ़ने की चलिए देखते हैं इनके मशहूर अशार में आता है ये बज़ में मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है मीना के मतलब होते हैं जाम यानी वो जाम यानी जो शराब का जाम होता है उसके साथियों मीना कहते हैं ये बज में मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को मिलने को नहीं नायाब हैं हम ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को मिलने को नहीं नायाब हैं हम ताबीर है जिसकी गम ए हम नफ्सो वो खाब हैं हम जे मुस्तर से पूछ ए रौनक दिले मुस्तर से पूछ ए रौनक मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ इसी तरह एक बहुत बड़ा गजल है दसवीं क्लास में है कि खिलौने बहलाया गया जी इसी तरह इसका अगला भी मिसरा है अब भी एक उम्र पे जीने का नौ अंदाज आया अब भी एक उम्र पे जीने का नौ अंदाज आया जिंदगी छोड़ दे पीछा में बाज आया जी उसके बाद लेकर खुद पीरे फुगा हाथ में मीना आया पीरे फुगा यानी बूढ़ा आदमी लेकर खुद पीरे फुगा हाथ में मीना आया मैं कशो शर्म भी न पीना आया मैं कशो शर्म भी न पीना आया तुझी को तेरे मुसाफिर अगर न पाएंगे तुझी को तेरे मुसाफिर अगर न पाएंगे वतन में जाके मुंह अपना किसे दिखाएंगे वतन में जाके मुंह अपना किसे दिखाएंगे ये साथियों किनका शाद अजीमाबादी के कुछ मशहूर अशा थे जो कि उनके गज़लों से लिया गया है इसको याद रख लीजिएगा बाकी तो है कि कहाँ से पूछ ले यह कहना मुश्किल होता है लेकिन चूंकि ये आपके सिलेबस में मैं पढ़ रहा हूँ तो इसलिए इसको भी कहना बहुत ज़रूरी है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्वेश्चन कुछ कराएंगे और शाद अजीमाबादी मोमिन खान मोमिन के बारे में ये मुख्तसर से तारुफ थे जिसको जानना बहुत जरूरी था अगला क्वेश्चन है मुंदरजा जैल में कौन नजूम में महारत रखते थे मीर तकी मीर असदुल्ला खान गालिब मोमिन खान मोमिन और इंशा खान इंशा चलिए तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ खिलौने दे के बहलाया गया हूँ जे नजूम में कौन महारत रखते थे साथियों हमने ये पढ़ा कि मोमिन खान मोमिन 1800 सौ ईस्वी में पैदा हुए दिल्ली में और अट्ठारह में इनकी वफात हुई दिल्ली में ही हुई हमने ये भी पढ़ा साथियों शाद अजीमाबादी 1846 में पैदा हुए 1927 में इनकी क्या हुई वफात हुई ठीक है ना जी ये, ये शाद के बारे में पढ़ा और ये मोमिन के बारे में हमने पढ़ा तो इलम में जो महारत रखते थे वो साथियों कौन थे मोमिन खान मोमिन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा शाद अजीमाबादी का पूरा नाम क्या है सैयद जाफरी सैयद अहमद अली सैयद अली मोहम्मद और सैयद मोहम्मद अली ये शाद अजीमाबादी का पूरा नाम क्या है देखिए बहुत सिंपल सी बात है एक साथियों आपका नजीर अकबराबादी का नाम पूछा जाता है नजीर अकबराबादी का नाम पूछा जाता है और एक आपको शाद का नाम पूछा जाएगा तो देखिए याद रखिए शाद का जो नाम है ना वो अली मोहम्मद यानी सैयद अली मोहम्मद क्योंकि ये सैयद खानदान से थे इसलिए सैयद लगाते थे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तो अली मोहम्मद इनका नाम है ना तो नज़ीर अकबर बराबादी का नाम है वली मोहम्मद क्या नाम है वली मोहम्मद बस इस याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि तेरह नंबर तीन नंबर में ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम ताबीर है जिसकी हसरत गम ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम इस शेर का खालि कौन है मतलब ये शेर किसने इस शेर को लिखा है ख्वाजा मीर दर्द ने मीर तकी मीर ने शाद अजीम आबादी ने मोमिन खान मोमिन ने के हमें मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम ताबीर है जिसकी हसरत ए हम नफ्सो वो खाब हम ये शेर साथियों है किनका शाद अजीम आबादी का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है चार नंबर में ये बज़म मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है इस शेर का खालिक कौन है वली दकनी मीर तकी मीर मिर्जा गालिब शाद अजीम आबादी शाद अजीम आबादी क्या होगा इस शेर के भी जो साथियों खालिक हैं वो हैं शाद अजीमाबादी ने ही इस शेर को लिखा है ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन है डे कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ खिलौने दे के बहलाया गया हूँ यह किसका मतला है वली दकनी का मिर्जा गालिब का शाद अजीमाबादी का और ख्वाजा मीर दर्द का तमन्नाओं में उलझाया गया हूं खिलौने दे के बहलाया गया हूं यह जो शेर है साथियों भी किनका है शाद अजीमाबादी का ही है किनका है अजीमाबादी का है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोमिन खान मोमिन की वफात कैसे हुई थी ये, बीमारी की वजह से ब्रेन हेमरेज से कोठे से गिरने से और इनमें से कोई नहीं मोमिन खान मोमिन की वफात कैसे हुई थी जी बताइए देखिए ऐसे कोठा का मतलब मकान मत समझ लीजिएगा आप लोग मकान नहीं समझ लीजिएगा कोठा पता है किसको बोलते हैं कोठा कोठी से बना है यानी मैं खाना को कोठा बोलती हैं क्योंकि मोमिन खान मोमिन शराबी बहुत बड़े ये थे आ, जी आया है ना इसके बारे में तो इनकी जो मौत हुई है वो कोठे से गिरने से हुई है अब हो सकता है कहीं कोठा माने मकान भी हो सकता है ये भी हो सकता है जी तो आपका क्या होगा ऑप्शन सी लेकिन कोठा बोलते हैं वो मैखाना को बोलते हैं जी अगला क्वेश्चन है मोमिन खान मोमिन का खानदानी पेशा क्या था वकालत इबाबत सियासत शायरी देखिए याद रखिएगा ये तबीब थे यानी ये डॉक्टर थे ऑप्शन नंबर बी इसी तरह साथियों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मिर्जा शौक लखनवी के बारे में मिर्जा शौक लखनवी जिनका असल नाम है तसदुक हुसैन खान ये भी साथियों इनका खानदानी पेशा क्या था तिबाबत का था यानी डॉक्टरी यानी हिकमत अगला क्वेश्चन है आठ नंबर में मोमिन खान मोमिन हाफिज कुरान भी थे लेकिन वो किस मसलकन से ताल्लुक रखते थे लेकिन नहीं कोठा का बारा तब यहां पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये हाफिज कुरान थे तो ये नशा वगैरह नहीं करते थे वो आतिश के बारे में कल हमने पढ़ा था जी मोमिन खान मोमिन हाफिज कुरान भी थे लेकिन वो किस मसलकन से ताल्लुक रखते थे बरेलवी से देवबंदी से वहाबी से और कादियानी से तो वो साथियों जी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा जी ठीक है ना अगला क्वेश्चन है तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता मुंदरजा बाला शेर के बारे में मिर्जा गालिब ने क्या कहा था मन अस्त पूरे दीवान देने की बात तारीफ मुजम्मत की थी तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता ये शेर साथियों इनका है मोमिन खान मोमिन का है और मिर्जा सदुल्ला खान गालिब ने कहा था कि अगर ये शेर मोमिन खान मोमिन मुझे दे देंगे तो हम जो है ना पूरे दीवान दे देंगे उनको तो पूरे दीवान देने की बात ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन है दस नंबर में शाद अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी अठारह सौ छियालीस उन्नीस तो शाद अजीमाबादी जो है ये पैदा हुए थे साथियों कब तो ये हुए थे 1840 में अजीमाबाद तो ऑप्शन नंबर ए और वफात जो है वो उन्नीस में हुई थी तो साथियों आज के इस पूरे वीडियो में हमने मोमिन खान मोमिन के बारे में पढ़ा हमने शाद अजीमाबादी के बारे में पढ़ा आई होप कि ये दोनों शख्सियत के बारे में आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा क्लास काफ़ी छोटा था लेकिन बहुत ही मवाद से पुर और अहम था साथियों बताइए कैसा लगा आज का ये क्लास अगर आप कोई मशवरा देना चाहें या कुछ आप कहना चाहें तो आप पूछ सकते हैं मैं साथियों एक दो मिनट आपका ये रिप्लाई देने के लिए मौजूद रहूँगा बाकी जो लोग भी डी टी प्लस वी टी जी टी एन वी एस के वी एस इसी तरह यू पी टी जी टी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं इस नंबर पे या फिर इस वाले नंबर पे बात करके मैंने साथियों आपको सत्तर से तिहत्तर वीडियो का लगभग एक लिंक दिया है ग्रुप के अंदर जब आप जुड़े थे उसको भी आप देखते रहिएगा बाकी मैं उसको पढ़ाऊंगा लेकिन उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा पहले इन सब चीजों को मैं कंप्लीट करूंगा ठीक है ना जी चलिए बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जे, ठीक है चलिए बहुत शानदार शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए खुदा हाफिज